हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज हम आ गए हैं दिल्ली में बॉम्बे भेल हाउस। यहाँ पे आपको दिखाएंगे भाई यहाँ की स्पेशल भेल कितनी लाजवाब होने वाली है। बिना किसी देरी के चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हमारी चाट तैयार करी जा रही है, दिखाते हैं आपको कैसी होने वाली है। हमारा आ गया ये एक नॉर्मल ढोकला, एक आ गया राइस वाला ढोकला और ये आ गया यहाँ पे हमारी खांडवी। अरे ढोकले को कट कर दिया जाएगा और अब दिखाते हैं भाई चाट कैसे तैयार करी जाती है। भाई प्राइस क्या रहता है वैसे इसका? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ जी। अच्छा, अगर सिंगल सिंगल आइटम मिले तो भी 50 रुपए रहेगी, अगर मिक्स करा के तो भी 50 रुपए। तो 50 रुपए। बहुत बढ़िया। तो भाई ये यहाँ पे कमला नगर की फेमस ढोकला चाट बोल लो, खांडवी चाट बोल लो, राइस ढोकला चाट, जैसा आपका मन हो वैसे आप यहाँ पे प्रिपेयर करवा सकते हो। मिक्स चाट भी बोल सकते हैं। मिक्स चाट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आ गया ये प्याज, ये क्या आ गया भैया? ये कच्चा आम। कच्चा आम आ गया? अरे वाह। ये आ गई इनकी स्पेशल हरी चटनी। हरी चटनी किस चीज की रहती है भैया वैसे? ये मिर्ची पुदीने की रहते हैं। अच्छा, मिर्ची पुदीने वगैरह की रहती है। ये चिली गार्लिक है। अच्छा, चिली गार्लिक है। जैसे अगर किसी को ज्यादा मिर्ची वगैरह चाहिए तो ज्यादा डलवा सकते हैं। ज्यादा डलवा सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। और ये आ गई अब यहाँ पे इनकी मीठी चटनी। ओ भाई साहब, ऊपर से आ गई बारीक से। बारीक से बहुत बढ़िया। और ये आ गया ऊपर से थोड़ा हरा धनिया। चाट हमारी रेडी हो गई है, फटाफट से भेलपुरी भी लगवाते हैं, दोनों चीजें साथ में टेस्ट करके बताएंगे भाई। अब यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हमारी भेलपुरी की। सबसे पहले आ गए हमारे फुलियां, ये आ गए बारीक सेव, ये आ गए मिक्सचर और ये आ गई मटरी वगैरह। ये आ गए बॉइल्ड पोटैटो, आ गया हरा धनिया, एकदम फ्रेश बनाई जाएगी आपके सामने बनाई जाएगी, कोई वो नहीं है रखा हुआ सामान, एकदम बढ़िया बनाई जाएगी। तो टेस्ट भी कैसे देखना भाई, टेस्ट इतना लाजवाब है मतलब एक बार खाओगे और बार बार आओगे, वो हिसाब किताब है। ये आ गया प्याज, ये आ गई हरी चटनी, ये वही चिली गार्लिक। चिली गार्लिक बहुत बढ़िया। मीठी सॉस। मीठी सौंठ किस चीज की होती है वैसे? ये गुड़ खजूर इमली ये सब की होते हैं। अच्छा, गुड़ खजूर इमली वगैरह की। कंसिस्टेंसी देखो भाई, सौंठ की कंसिस्टेंसी इतनी लाजवाब है। ओ भाई, तो यहाँ पे मिक्स करा जा रहा है बढ़िया तरीके से इसको और अब करा जाएगा सब। प्राइस क्या रहता है वैसे भैया भेलपुरी का? 50 रुपए। अच्छा, वो भी 50 रुपए है? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आ गए सेव और लास्ट में आ गया हरा धनिया। ये भी तैयार है भैया? ये भी तैयार है। अरे वाह, तो अब दोनों आइटम हमारी तैयार हो चुकी हैं, फटाफट से टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ेगी। तो भाई ये आ गई हमारी चाट, दिखाता हूँ आपको कैसी होने वाली है। मेकिंग आपने देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फटाफट से बढ़ते हैं टेस्टिंग की ओर। ओ भाई साहब, एकदम लोडेड है देख सकते हो। सबसे पहले क्या बाहर आया हमारा, क्या बाहर आया? ये आया हमारा राइस ढोकला बाहर, इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको भेलपुरी चख के बताएंगे भाई भेलपुरी भी कैसे होने वाली है आंकी। ओ भाई साहब, कितना जबरदस्त स्वाद था भाई। हमारी ढोकला मिक्स चाट बोल लो, ढोकला चाट बोल लो, कुछ भी बोल लो। अब बारी आती है इनकी फेमस भेलपुरी की, क्योंकि नाम ही है भाई बॉम्बे भेल हाउस। तो दिखाते हैं आपको बॉम्बे की भेल का स्वाद दिल्ली के अंदर। भाई बहुत पुरानी शॉप है, मैं तो बचपन से ट्राई कर रहा हूँ भाई यहाँ का, आप समझ ही सकते हो, मेरी ट्यूशन भी पास में ही थी। अब ये नहीं घर ढूंढने मत आ जाना मेरा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है और फिर बताएंगे आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ेगी। ओ भाई।
भाई साहब कितना जबरदस्त स्वाद था भाई। मेरे को तो यहाँ की भेल और भाई यहाँ की जो एक एक चाट है ना भाई उसका अलग ही स्वाद है भाई, कसम से बोल रहा हूँ मजा आ गया। यहाँ पे आओ और इनकी चाट वगैरह ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे चाट के अलावा नमकीनें वगैरह भी अवेलेबल रहती हैं, ढोकला अगर आपको सेपरेटली चाहिए वो भी अवेलेबल है, खांडवी वगैरह जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल रहेगा। और शॉप जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात तक खुली रहती है, तो उसी की टेंशन ना लेना, बहुत अमेजिंग है कदम से बोल रहा हूँ। मस्ट आइटम है दिल्ली के कमला नगर के अंदर, तो आपको लोकेशन बताया था कमला नगर में, आपको ये पड़ेगा डी ब्लॉक में, किसी से भी पूछ लेना। बॉम्बे भेल हाउस भाई बहुत फेमस शॉप है, यहाँ पे आओ भेल वगैरह ट्राई करना। वीडियो से लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।